नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्निकल छत्तीस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए जिला कार्यालय में एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया हूं, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आप जब आवेदन करोगे तो आपको कोई पैसा नहीं जाएगा, बिल्कुल आवेदन फीस फ्री है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल नहीं चूकना दोस्तों। यह बहुत बड़ी जॉब है, इसमें तनख्वाह भी ज़्यादा है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 ईयर से अधिक है तो अब आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें फॉर्म किस तरह भरना है, फिलअप किस तरह करना है। तो यहाँ देख लो एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो यहाँ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यहाँ आपका एक कलर फोटो रहेगा। और इधर टू द चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी नादिया, आपको फर्स्ट में आपका फुल नेम डालना होगा, वो भी कैपिटल अक्षर में। और सेकंड नंबर में आप अपने फादर का नाम डालना होगा। अगर आपकी शादी हो गई है, आप अगर मेल हो फीमेल हो तो आप इसमें देख सकते हो। यदि आप फीमेल हो तो और आपकी शादी हो गई तो आप इसमें अपने हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हो। थर्ड नंबर में आपका होगा डेट ऑफ बर्थ, गिव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप इसमें ऐड कर लेना। चौथे में होगा आपका मेल या फीमेल हो आप इसमें डाल सकते हो। आप पाँचवा में आपका एड्रेस डालना होगा, आप कहाँ के रहने हो, पूरे पता इसमें डालने होंगे। अगर आपका दोस्तों तो एक बात ध्यान देना, अगर आपका फॉर्म अधूरा है, ठीक तरह से नहीं भरा गया है, तो आप इसमें रिजेक्ट हो सकते हो। तो पूरी ध्यान से ही देखना और भरना, वीडियो को ध्यान से देख लेना, तभी आप समझ पाओगे कि कौन से नंबर में क्या डालना है। अगर आप जानते हो तो आपके लिए ठीक है, अगर नहीं जानते तो आप इसमें ध्यान से देखना वीडियो को, तभी आप समझ पाओगे। छठवा नंबर में आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, सातवें में आप ईमेल आईडी डाल सकते हो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो। आठवें नंबर में लिखा है वेदर बिलोंग्स टू एसटी एससी ओबीसी आर अदर प्लीज स्पेसिफाई विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एसटी हो ओबीसी हो तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, इसमें ऐड करना होगा। नाइन नंबर में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें उस डॉक्यूमेंट को आपकी अंक सूची को इसमें ऐड कर सकते हो, फोटोकॉपी। और टेन नंबर में आपका होगा अदर क्वालिफिकेशन, आप अगर मैट्रिक के अलावा अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप अगर स्नातक कर चुके हो और आपके पास कोई अदर मतलब डॉक्यूमेंट है, अगर डिग्री है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको अप्लाई कब से करना है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी आप हो, आप इंडिया के निवासी हो, भारत के निवासी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जॉब जॉब भी है ऑल इंडियन जॉब, ऑल इंडियन जॉब यानी सेंट्रल जॉब है, तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, अब इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर में 18 इयर्स, अगर आपकी एज 18 इयर्स से अधिक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म कब से आपको भरना है मैं बता देता हूँ, 2/4/2019, 2 अप्रैल 2019 से 18 अप्रैल 2019 शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये भर्ती ऑफलाइन है, आपको इसमें ऑफलाइन आवेदन करना होगा और इस एड्रेस पते पे आपको पहुंचाना होगा फॉर्म फिलअप करके। एड्रेस है एडीआर सेंटर बिल्डिंग नादिया कृष्णनगर जजेस कोर्ट कंपाउंड कृष्णनगर नादिया, पिन नंबर है 7411101। तो आपको पूरी तरह फॉर्म अच्छी तरह से भर के इस पते पे पहुंचाना होगा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपका फॉर्म ठीक से नहीं भरा है, फिलअप नहीं हुआ, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो। तो इसीलिए आपको पूरे ध्यान से देखना, मैं इस पीडीएफ फाइल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद देखना तभी आप समझ पाओगे।